अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कुक 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 चैनल। आज हमारी रेसिपी जो है वो हेल्दी और लो फैट चिकन है, जो कि आप अपनी डाइट में अपने टेस्ट के साथ इजीली रख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपने नॉर्मल मील को। सो आइए अपनी ये आला सी रेसिपी जो है वो तैयार करना शुरू करते हैं। उसके लिए हमने चिकन लिया है और ये चिकन विद बोन्स है। इस पे हम प्रॉपरली जो है वो कट लगा लेंगे ताकि हमारे स्पाइसेस जो है वो अंदर तक जाएं और टेस्ट हमें सारा आए। चिकन जो है हमारा ये 1 kg है हमने लिया। आप अपनी रेसिपी के हिसाब से इसको बढ़ा और कम कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी जो होगी ये एग्जैक्ट 1 kg की है। चिकन के मैरिनेशन तैयार करने के लिए हमने इसे एक अलग से मिक्सिंग बोल ले लिया है और इसमें हमने ऐड कर दिया है 2 tablespoons टोमेटो प्योरी जो होती है। सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है 1 tablespoon। ब्लैक पेपर पाउडर हमने ऐड किया है 1/2 tablespoon। देन हमने ओरिगेनो जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया है। ऑयल हमने ऐड किया है जस्ट 1 tablespoon। अब हम इसको प्रॉपरली जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी सी पेस्ट एक जो है वो तैयार हो जाए और ऑयल भी इसके अंदर प्रॉपरली मिक्स हो जाए। लेकिन ये बहुत थिक सी होती है सो हमें थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करना पड़ता है। पानी भी जस्ट आप इसमें 2 tablespoon ऐड कीजिए और फिर इसको प्रॉपरली एक पेस्ट बना लीजिए, जैसा कि आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो देख रहे हैं। अब इस मटेरियल से हम अपने चिकन को जो है वो मैरिनेट कर लेंगे प्रॉपरली और हम जो है कोशिश करेंगे कि उसके सब तरफ हर तरफ प्रॉपरली जो है ये मटेरियल लग जाए। और हम इसको मैरिनेट जो है वो ज़्यादा नहीं करेंगे, जस्ट हमें 20 से 25 मिनट्स होंगे इसमें ये डन हो जाता है प्रॉपरली। लेकिन ये पेस्ट जो है ये चिकन के ऊपर हम मसल मसल के लगाएंगे। देन हमने इसमें ऐड किया है एक अनियन जो है वो एक हमने मीडियम साइज़ का लिया था और इसको थोड़ा सा ऑमलेट कटिंग में काट के हमने ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है। और फिर हमने पोटैटोज़ लिए हैं यानी कि आलू, और हमने इसको जो है 3 लिए हैं और ये भी मीडियम साइज़ के थे। और हमने इसको मोटे मोटे, जैसे कि हम चिप्स बनाते हैं या फ्रेंच फ्राइज़ कह सकते हैं, उस तरह के हमने मोटे मोटे इनको काट लिया है और वो भी ऊपर हमने ऐड कर दिए हैं। जब ये डन हो जाता है तो इसमें जो ये आलू है इसकी भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है। चिकन के साथ ये बहुत ही इन्हेंस और मज़े की रेसिपी तैयार होती है। और इसके बाद हमने इसके ऊपर ऐड कर दी है ग्रीन चिलीज़, ये हमने 1 यूज़ की है। हमारी जो ये सीजनिंग प्लेट है ये फायर प्रूफ है, तो आप ऐसे किसी कंटेनर में कीजिए जो कि फायर प्रूफ हो और आप इसीलिए उसको ओवन में रख सकें या चूल्हे पे रख सकें। सबसे पहले अब हमने इसके ऊपर बटर पेपर ऐड कर दिया है क्योंकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्ट होता है वो ये चूस लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और फिर एंड पे इसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल जो है उससे इसको प्रॉपरली कवर कर दीजिए ताकि ये इसको जो है गलने में आसानी होगी, ये डन ईजीली हो जाता है। अगर आपके पास ओवन है तो फिर आप इसको जो ये ट्रे है इसी तरह आप इसको अपने कंटेनर को, जो भी कंटेनर हो उसको आप ओवन में प्लेस कर दीजिए। इसको तकरीबन 45 से घंटा लगता है लेकिन ये बहुत ही अच्छा डन हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप नॉर्मल चूल्हे के ऊपर भी इसको एज इट इज़ रख कर पका सकते हैं, कोई मसला भी नहीं होता और ये फौरी तैयार हो जाता है। बल्कि चूल्हे पर यह ज़रा जल्दी तैयार होता है, ओवन में ये टाइम लेता है। आप देख रहे हैं कि हमने नॉर्मल चूल्हे के ऊपर रख के इसको पकाया है। चूल्हे के ऊपर आपको जस्ट ये करना होता है कि पहले थोड़ी देर आप इसको फॉइल के साथ, जैसे कि हमने कवर किया था वैसे पकाएंगे, पहले 20 मिनट और उसके बाद इसको अनकवर कर देंगे और उसमें तकरीबन ये 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लेता और ये तैयार हो जाता है। इस चिकन में जो है ये बिल्कुल लो फैट है और लेकिन इसमें जो आपकी रिक्वायरमेंट है टेस्ट की भी और आपके हेल्दी चीज़ों की वो सब पूरी होती हैं। सो उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अल्लाह हाफिज़।